बिहार में एलजेपी का अकेले चुनाव लड़ना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव में उतरेगी। उधर रामविलास पासवान के भाई और सांसद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी से बगावत की खबरों का खंडन किया है। खबर है कि पशुपति समेत पार्टी के 6 में से 4 लोकसभा सांसद पार्टी के एनडीए से अलग चुनाव लड़ने से सहमत नहीं है, लेकिन पशुपति ने लिखित बयान जारी कर चिराग का साथ देने का ऐलान किया है। महागठबंधन से करीब करीब नाता तोड़ चुके आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव में नया मोर्चा बना सकते हैं। कुशवाहा पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी बीएसपी और कुछ दूसरी पार्टियों के साथ मोर्चा बना सकते हैं। नए मोर्चे का ऐलान जल्द हो सकता है। आरा में युवा जेडीयू के महासचिव प्रिंस बजरंगी और उनके एक साथी को अपराधियों ने गोली मार दी। इस वारदात में प्रिंस बजरंगी के साथी मिथुन कुमार की मौत हो गई, वहीं प्रिंस बजरंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि प्रिंस बजरंगी ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। टिकट को लेकर पटना में बीजेपी का दफ्तर अखाड़ा बन गया है। आपस में ही बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। लखीसराय में उम्मीदवारों को लेकर बबीता देवी के समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का घेराव किया। लखीसराय सीट से फिलहाल विजय सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं। भागलपुर के नाथनगर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुष्पम प्रिया चौधरी के चुनावी पोस्टर की वजह से मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये पहला केस है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।